उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अब किसान पारंपरिक खेती छोड़कर एक साल में कई फसलें लेने पर जोर दे रहे हैं। पहले यहां के किसान केवल गेहूं, धान और मंडुआ की खेती करते थे, लेकिन अब वे अधिक मुनाफा कमाने के लिए आलू की खेती भी कर रहे हैं। ऐसे में यदि आप भी पर्वतीय क्षेत्र के किसान हैं तो आलू की खेती आपके लिए मुनाफे का सौदा हो सकती है। यदि आपके खेत खाली पड़े हैं तो आप उनमें आलू की खेती कर सकते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के उद्यानिकी विभाग के कृषि विशेषज्ञ ईश्वर सिंह ने लोकल 18 को बताया कि अगेती आलू की खेती का उपयुक्त समय सितंबर से अक्टूबर का महीना होता है, लेकिन उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती सितंबर से पहले ही शुरू की जाती है। हालांकि मध्य हिमालयी क्षेत्र में अभी भी अगेती आलू की खेती की जा सकती है। आलू की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है और पर्वतीय क्षेत्रों में ये कई जगह पाई जाती है। आलू की जो अगेती का जो फसल का जो सबसे उपयुक्त टाइम होता है वो सितंबर से अक्टूबर का होता है, और जो कि अभी उपयुक्त टाइम है। रही बात हमारी जो पर्वतीय क्षेत्रों की, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो आलू होता है वो थोड़ा पहले लगाया जाता है ताकि उस समय उपयुक्त जो क्या होता है तापमान होता है तो उस समय इसकी बुआई होती है। बट हम अगर इंडो गंगेटिक प्लान की बात करें तो अभी आलू लगाने का एक उपयुक्त समय है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वो सबसे बेटर इसके लिए जो मिट्टी मानी जाती है, जिसमें लगभग पीएच 5 से 7 का पीएच होना चाहिए और जो तापमान इस समय का होता है 15 से 30 डिग्री का जो हम बता रहे थे वो होना उचित होता है इसके लिए। और जो आलू में कुछ वैरायटीज़ होती हैं कि जो अर्ली के टाइम पे लगाई जाती हैं, क्योंकि अर्ली के टाइम पे थोड़ा तापमान ज़्यादा रहता तो ऐसी वैरायटीज़ जिन जो तापमान को अधिक तापमान को सहन कर सकती, तो जिसमें एक पॉपुलर वैरायटी है कुफरी सूर्या जो अभी बहुत पॉपुलर है, CPRI मोदीपुरम के द्वारा ये विकसित किया गया है। तो ये एक अच्छी वैरायटी है जिसको अभी हम अगेती फसल के तौर पे ले सकते हैं। आलू की बुआई करने के लिए हम 3 प्रकार के इसमें बेसिकली बेड बनाते हैं, जिसको हम बोले तो एक आता है फ्लैट बेड आता है, एक आता है रेज्ड बेड जिसको हम कहते हैं, और एक आता है जिसका ट्रेंचेज में हम बनाते हैं, यानी हम नाली टाइप का एक बनाते हैं उसमें हम आलू को लगाते हैं, और दूसरा आता है जिसमें हम मेड में आलू को लगाते हैं। जो हम अगर फ्लैट बेड में आलू को लगाते हैं तो उसमें हमें इसमें मिट्टी को चढ़ाने की आवश्यकता होती है, 2 बार हम इसमें मिट्टी चढ़ाते हैं। ऐसी जो हमारी ट्रेंचेज में लगती है जो आलू, उसमें भी हमें 15 से 20 दिन बाद इसमें हमें मिट्टी को 15 से 20 सेंटीमीटर तक उठाना होता है, और जो हमारी रिज में लगती है यानी जो मेंढों में लगती है उस आलू में भी हमें 30 से 35 दिन के बाद हमें इसमें अर्थिंग अप यानी मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता होती है। आलू बेसिकली जो होता है ये इसकी आलू को हम डायरेक्ट लगाते हैं, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसमें होता है, इसमें कोई बीज का यूज़ नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट हम आलू को लेते हैं। आलू का जो होता है एक साइज़ हम इसमें डिसाइड करते हैं लगभग, जिसका डायमीटर 2 से 3 सेंटीमीटर का हो या 4 से 5 सेंटीमीटर को, तो इसके बीच का जो आकार का आलू होता है हम उसको कट करते हैं और फिर उस आलू को हम फफूंदी नाशक से हम ट्रीट करते हैं, और फिर इसको हम जो ट्रेंचेज हो गए हैं, अगर आपको ट्रेंच में लगाना है या आपको मेड में लगाना है तो इसमें मेडों में लगाया जाता है। और जो रही बात इसमें कि पानी कब इसमें दिया जाता है, तो आलू में बेसिकली हम क्या करते हैं कि 8 से 10 दिन के अंतराल पे हम पानी को दे देते हैं। इसमें मैं 3 प्रकार की फसलें होती है, जैसे हम अर्ली, मिड और लेट की बात करें तो जो अर्ली फसल होती है यानी जो अगेती फसल होती है वो लगभग 60 से 80 दिन में तैयार हो जाती है, और जो मिड वाली फसल होती है वो 80 से 90 दिन में, और जो लेट वाली फसल होती है वो 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है।